ख्याल पे कंट्रोल करने वाला सिर्फ मोहब्बत है। जब ख्याल एक ख्याल में गुम हो जाए तो दूसरे ख्याल की गुजारिश ही बनी। ये एक ख्याल करीब की है, दूर की भी है, न करीब की है, ये नसीब की है, ये नसीब की मंजिल लगी। जब चाहे कोई अदा कर दे, मैं खुदा ने खासा किसी आदमी खबर आ जाए उसके मकान को खुदा ने खासा फायर ब्रिगेड की जरूरत है तो घर ख्याल आएगा नहीं आएगा। फायर ब्रिगेड की जरूरत होगी, मकान घर अपने छत में आग लग गई है, भागेगा। एक मैं भी तो ना जब कुछ बहुत एमरजेंसी हो जाए तो मैं भी पैदा जाती आप लोगों को, दूसरे ख्याल चले जाता है। तो मैं करने वाली आपको एमरजेंसियाँ हैं जहाज से है, वो वक्त जब मैं करने वाली मोहब्बत पैदा हो जाए वो वक्त आ जाए तो अच्छा है कि अंदर आने लगे तब ख्याल घर को जाए। तो कसरत ख्याल से बचने का तरीका बढ़ते ख्याल है, और बढ़ते ख्याल सिवाय महबूब के और कोई नहीं दे सकता। कि हम हाल उसी का ख्याल हो, हम हाल उसी का ख्याल हो, तनाई में उसका ख्याल, नफल में उसका ख्याल। कि जिस तरह अपनहारन प्रीत की रीत को भांबरे पनहारन से सीख, प्रीत समझ मोहब्बत, प्रीत की रीत को बांगरे पनहारन से सीख, सब सखियों से बात करे पर ध्यान गगर के बीच कि गागर में छलक जाए। वो पानी भर के आ रही है ना बंगड़ से, लोगों से बात करती जा रही है, और ये नहीं कि मुझे बात करने का तो ड्राई डिग गया ना, कड़ा सलामत है। मतलब कि ये हटे मोहब्बत का ख्याल कि महबूब के ख्याल से गाफल नहीं होता, एक लाजा गाफल नहीं होता। तो जब कभी ऐसा ख्याल पैदा हो गया कि जैसे एक लहजा गाफल ना हो तो कसरत खुद बहुत टूट जाती है। महबूब हम उसको कहते हैं जिसके ख्याल में बाकी ख्याल और बाकी आरजुएं निसार की जा सके। यूं कह लो कि 10 आपके पास आरजुएं हैं, 15 आरजुएं हैं, 15 ख्वाहिशें हैं, है समझ रहे हैं बात, और आखिरी वक्त आ गया कच्ची का। अल्लाह में कहते हैं एक आरजू पूरी करते हैं, अब ये 50 फैसला करो कौन सी आरजू है। वो जो आखिरी आरजू बच जाएगी ना उससे मोहब्बत है बस, और उसको डेवलप करना ही सारा काम है कि वो आरजू जो बाकी आरजू को खा जाए वहाँ मोहब्बत है। कि हम तो उससे गाफिल हो गए, हमें तो पता नहीं है कि अब ना जमीन ना वो जमां, अब ना मकान ला मकान, क्या कहा, अब ना जमीन ना वो जमां और अब ना मकान ला मकान, और तूने जहां बदल दिया आके मेरी निगाह। मतलब कि तूने जहां बदल दिया आके मेरी निगाह में, वो निगाह में ऐसी चीज है कि जमीन बदल गई, आसमान बदल गया, जमीन और आसमान बदल गया, दोनों जहां बदल गया। मतलब मेरी निगाह की तो ऐसे बदल गई, वो ऐसी चीज होती है महबीर पैदा करती है बात नहीं। कि बोलते रहे कि इंसान हम हाल उसी ख्याल में घूम जाता है, किसी ख्याल में महबूब के ख्याल, और अब ना कहीं निगाह है, अब ना कोई निगाह, इसके अलावा है कुछ नहीं, मैं खड़ा हुआ हूँ मैं हुस्न की जलवागा। इंसान एक जगह महबीर खड़ी कर देते, कब आता है ये अल्लाह ताला मेहरबानी करे नसीब से आता है, और जिंदगी भरी पड़ी है इसी काम से। कहाँ से किसी या वकी से निकल के, एक वकी इशारा है ना, किसी गली से निकल के, किसी मोड़ से निकल के कोई बात आपको मशहूर कर ले। ऐसे ऐसे लोग आए कि एक जगह वो दरवेश के नाम बाद में पता चलेगा आपको, क्या वो एक जगह बाजार से गुजरे दरवेश, वहाँ पर वर्क कूट रहे थे ये चांदी के वर्क, टिक टिका टिक टिका, उसको आज ही हालत होगी कि अल्लाह के नाम लेकर जिक्र करता 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 बस गहरी हो गए। वो ऐसा होता है मदन के साथ टूटते हैं, अब देखा कभी आगे अल्लाह 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 अल्लाह, मतलब वो अल्लाह अल्लाह ही हो गए बिल्कुल। तीजिए ऐसा वाक्य हो जाता है कि अल्लाह ताला पता नहीं कब बदले में वजन तारी कर दे, कब वो एहसान कर दे, कभी बदले में खुशी में एहसान कर देता है, कभी गम का एहसान अदा कर देता है, एक गम पड़ा जाग उठा इंसान, कभी खुशियाँ सला देती है, कभी गम जगा देता है, ये अल्लाह का काम है। जब चाहे बेदार कर दे, किसी ने मतलब करीब आके देखा, किसी दूर जाके देखा, किसी ने आंख के पर्दे में पर्दा दार को देखा, किसी ने दार पर चढ़कर जमाल यार को देखा, उसकी मेहरबानियाँ हैं, कब जैसे चाहे अदा कर दे। भाई ये मांगने की बात नहीं है, न ढूंढने का काम है, भाई ये इंतजार का काम है, जब चाहे अदा कर दे, देता जरूर है, देता है। अल्लाह ताला मेहरबानी करे आपको भी, आप लोगों को भी जलवा दिखाए, जलवा महबूब के चेहरे में होगा, जलवा अल्लाह का होगा, और
और ये ब्राय अल्लाह होगा, बस इल्लाह होगा, ब्राय अल्लाह होगा, अल्लाह ताला मेहरबानी करे, बस ये अता हो जाती है। हाँ और बात,